सेशन आज का स्टार्ट करेंगे. मैं देख पा रहा हूँ अभी हम 315 पार्टिसिपेंट्स हैं. टुडे इज अवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग और मैं चाहूंगा कि आप और ज्यादा लोगों को इनवाइट करें आज के सेशन के लिए, बिकॉज आज का बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है. वी विल वेट फॉर अनदर 2 or 3 minutes और आप मैक्सिमम गेस्ट को इन्वाइट करें एंड देन वी विल स्टार्ट. थैंक यू. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम सभी लोग अभी मोदी घर की तरफ से पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के अंदर हैं और यहाँ पर मोदी की आज बहुत सारे राशन बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नीडी लोगों को. और ये आज हमें मोदी घर के द्वारा सौभाग्य मिला है कि हम गरीब लोगों की हेल्प यहाँ पे कर पाए जिनको जरूरत है और उनको राशन बैग्स आर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो रहे हैं मोदी घर की तरफ से. सो अगेन इट्स अ प्राउड फीलिंग विद मोदी केयर और बहुत जबरदस्त फीलिंग है. सो लीडर्स, आज का सेशन हम ये शुरू करेंगे. टुडे इज अवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन सेशन और मैं आज ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज हम लोग यहाँ पे अभी थोड़े से व्यस्त हैं. पूरा मैनेजमेंट हमारे साथ है, हमारे एरिया मैनेजर अमित जी हमारे साथ हैं, ऑल जीबीडीज यहाँ पर हैं. तो मैं यहाँ पर सीधे आज इन्वाइट करूंगा आज की बिजनेस मीटिंग के लिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए हमारी ग्रेट 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 प्रेजिडेंशियल डायरेक्टर जिनकी स्टोरी को आपने दो दिन पहले सुना और कैसे उन्होंने एक ग्रामीण परिवेश से आके अपनी लाइफ को चेंज किया मोदी के द्वारा. तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें यहाँ पर फूला देवी मीणा जी का. राइट, सो फूला जी प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. फूला जी. जी सर. आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ जिससे कि आप प्रेजेंटेशन शेयर कर पाए. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आलोक सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको. बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी तरफ से कि आपने अवसर दिया. बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको. आप अब होस्ट हैं और मैं म्यूट पे जा रहा हूं ताकि आप इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर पाए और खत्म होने के बाद वापस से मुझे होस्ट बना दीजिएगा सर. वो उसके लिए होगा दो में स्क्रीन शेयर. होस्ट बना रहा हूँ सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप फिर स्क्रीन शेयर कर पाएंगे ना. ठीक है सर. ओके सर. ओके सर. हाँ जी फुला जी, आप होस्ट हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. ओके. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम सर ने बता भी दिया आपको और मैं फिर से बताना चाहूंगी, मेरा नाम फुला मीणा है और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ और एक की महिला मैं. फिर भी आज इतना अच्छा बोल पा रही हूँ आपके सामने, इतना अच्छा बता पाऊंगी और इतना अच्छा बिजनेस कर पा रही हूँ मैं, वो सब हमारे गुरु, हमारे महागुरु जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है मुझे इसको सिखाने में. और ये जो रोज हमारी जूम मीटिंग हो रही है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि मुझे जो चीज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो चीज मुझे नहीं आती थी पहले. मुझे जब से ये लॉकडाउन हुआ इस कोरोना की वजह से, ये टूल जो हमारा शास्त्र है, हमारा ग्रंथ है, उसको बताने के लिए मैंने इसको सीखा है. रोज जूम मीटिंग में आती हूँ मैं और ये सीखती हूँ मैं. तो मैं धन्यवाद करूंगी महागुरु तरुण बजाज सर को, धन्यवाद करूंगी मेरे गुरुजनों को जिनके मार्गदर्शन से आज ये बड़ा अवसर मुझे मिला है. और बहुत बहुत थैंक यू सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू. जैसे कि अब मैं आपको थोड़ी सी अपने बारे में बताना चाहूंगी, जो नए लोग हैं वो भी मुझे जाने कि मैं हूँ कौन और मेरी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई. बताना चाहूंगी कि मैंने शुरुआत अपनी लाइफ की, सपने मेरे बड़े रहे बचपन से, मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं. जब हम लोग पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में आप सब देखते हो कि कैसे सेलिब्रिटी होते हैं, फिल्म स्टार कैसे पहाड़ों में पिक्चर बनाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं. तो उस समय मुझे नहीं पता था कि ये होता है, लेकिन मैं इतना चाहती थी कि मैं एक फिल्म स्टार बनूं और मैं भी ऐसे पहाड़ों में घूमूं, ऐसे विदेशों में जाऊं, बड़ी सारी कार हो, बड़ा सारा बंगला हो. लेकिन कहते हैं ना, सपने तो सपने बन के रह जाते हैं अगर हमारे पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता है, हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है. तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ. मेरी सगाई बहुत कम उम्र में हो गई थी, रोका जिसको कहते हैं. उसके बाद में मेरी शादी हो गई, शादी भी बहुत कम उम्र में हो गई. और शादी होने के कुछ समय बाद में ही मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनी. तो मेरे उमंग जगी
कि भले ही गाँव में शादी हुई है लेकिन आज मैं खुद कमाऊंगी और खुद अपना खर्चा उठाऊंगी, इतना तो करूंगी कम से कम, ज्यादा सपने नहीं तो, ये चीज सोच करके मैं खुश थी। लेकिन 2 साल मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही मैं, और 2 साल बाद में जैसे ही मेरा बड़ा बेटा होता है और ट्रेनिंग का टाइम आता है तो ससुर जी सास और कहते हैं बड़े घर में कि नहीं ट्रेनिंग नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पर बच्चे को लेके जाना अलाउ नहीं है और बच्चा रह नहीं पाएगा, तो आप छोड़ दो। मैंने इस्तीफा दे दिया और 1 साल बाद में फिर वो सन 2000 में मुझे अवसर मिला हमारे गांव में, हमारे ग्राम पंचायत में एसटी सीट आई थी, उसमें महिला एसटी थी, तो मेरा नंबर फिर से वापस आ गया। मेरे लिए कहा गया कि मैडम आप है ना जो सरपंच का फॉर्म भर दीजिए, मेरे ससुर जी को आके बोला बताया गया। तो मैं तो नहीं समझती थी इतनी, मैं तो ससुर जी ने फॉर्म भर दिया, हस्बैंड ने फॉर्म भर दिया और सरपंच भी बन गई। फिर मैं बड़ी खुश हुई कि मेरी तो लाइफ बदल गई, अब मैं सरपंच बन गई, अब मैं राजनीति में आ गई। सुनती थी राजनीति में तो बहुत पैसा है, सब सपने पूरे कर सकते हैं, तो मैंने ये चीज सोची, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन कहते ना 5 साल तो सीखने में लग जाता राजनीति को, और जब सीखते हैं तो कुछ कमा भी नहीं पाते हैं, और कमाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसके अंदर इतना। अगर ईमानदारी से चलेंगे तो जनसेवा में ही हमारा काम निकलता है। उसके बाद में 5 साल निकल गए और उसी बीच में मैंने काफी चीजें देखी, लेकिन संघर्ष बहुत किया मैंने और फिर भी नहीं हो पाया। अब उसके बाद में होता क्या है, फिर मुझे महिला अध्यक्ष बना दिया ब्लॉक का, अवसर आ गया एमएलए बनेंगे अपन, तो एमएलए बनेंगे तो बड़ा मजा आएगा, सब चीज अपनी मिलेगी, सब चीज होगी तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ये चीज सोची कि अब अच्छा है, अब अपन एमएलए बन जाएंगे और अपन अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन कहते ना फिर कोई कुछ ना कुछ होता है, एमएलए का टिकट फाइनल हो गया था और एक तरीके से 100% हो गया था कि फूला मीणा, क्योंकि मैंने खूब रैलियां निकाली, खूब लोगों को बोला, गांव गांव गई मैं, पूरी तहसील में गई, घर घर पहुंची, सभी समाज में गई, क्योंकि मेरे लिए तो सभी अनमोल थे और है आज भी है सभी मेरे लिए। तो ये चीजें होती रही और नहीं हो पाया। उसके बाद में वहां बड़ा पैसा लगना था तो टिकट नहीं हो पाया मेरा, और मैं पूरी मेहनत करके पड़ाव कहते ना कि पूरा ऊपर तक जाकर के वापस मुझे पीछे होना पड़ा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था उस समय कि मैं करोड़ों रुपए लगा सकूं चुनाव में। फिर मैं हताश हो गई, मैंने सोचा आप कुछ और ही करते हैं, नहीं पार पड़ेगी राजनीति में, मैं छोड़ करके आ गई। और आने के बाद में मैंने, मेरा पियर यहाँ जयपुर में ही था और यही मेरे पापा रहते थे जयपुर में, तो मैं पापा के पास आके रहने लगी कुछ समय। फिर मैंने कहा कब तक मैं रहूंगी, कब तक रहूंगी अपने बच्चों के साथ में, दोनों बच्चे हो चुके थे मेरे, तो मैंने कहा मैं कुछ अलग करती हूँ। मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करी, उसमें मुझे 500 रुपए दिए। फिर मेरे अंदर एक चीज और जागी कि क्यों ना मैं अलग रहूं पापा मम्मी से, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप आ जाओ और अपन अलग ही रहेंगे। तो इस तरीके से मैं रहने लगी, 1-2 साल निकले छोटी मोटी स्कूलों में पढ़ाते पढ़ाते, 500 रुपए से 1000 रुपए पे आई, धीरे धीरे मेरा बढ़ने लगा। और फिर मुझे स्कूल वालों ने कहा कि ना मैडम अगर थोड़े ज्यादा और पढ़े होते ना तो आपको अच्छी सैलरी मिलती। मैंने फिर कोशिश करी, लेकिन वो कहते ना कि भगवान को तो कुछ और ही मंजूर होते हैं, 10 साल पढ़ाई छोड़ी होगी तो कहाँ पॉसिबल था ये सब। लेकिन मैंने फिर भी ऐसी पढ़ाई पढ़ी जहाँ पर सब्जेक्ट अपने मनपसंद से लेकर हिंदी के लेकर के पढ़ लो, आप सभी जानते होंगे कि ऐसी पढ़ाई भी होती है, तो मैंने धीरे धीरे वो चीज भी करी। और किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, मैंने स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते एक चीज सीखी कि क्यों ना मैं स्कूल डाल दूं। तो मैंने एक छोटा सा स्कूल डाला है और छोटा सा स्कूल है भी, लेकिन स्कूल में ही सपने पूरे नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं खूब कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। स्कूल में तो ज्यादा टेंशन में आ गई कि मैं इतना कुछ किया, मैंने गांव में भी रह के खूब मेहनत करी, खेतों में काम किया, गाय भैंस का किया, यहाँ तक हमारे दूध की डेयरी थी, दूध भी निकलवाने में घर घर गई, तो कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ ही, मैं थक गई। और फिर एक दूसरा स्कूल डालने का सोचा, दूसरा स्कूल डाला भी मैंने, और वो कहते ना कि भगवान को नहीं मंजूर था कि तू इस चीज में फंस, स्कूल एक ही बहुत है तेरे लिए, सरस्वती मंदिर एक ही बहुत है, अब तेरे लिए लक्ष्मी के मंदिर दरबार खुल रहे हैं तो तेरे लिए रास्ता दूसरा होगा, लेकिन रास्ता इस तरीके से होगा ये मैंने नहीं सोचा था। आप गलत नहीं लेना इस चीज को। मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए मेरे लिए, ये बच नहीं पाएगी, बच गई तो ये खड़ी नहीं हो पाएगी लाइफ में, ये चीज कही। मेरी हड्डी, पूरी हड्डियां टूट गई थी एक तरफ की और बहुत ही सीरियस था। 10 घंटे मेरा ऑपरेशन चला, 8 यूनिट 9 यूनिट मेरे पता नहीं कितना ब्लड चढ़ा, 10 घंटे का मायना आप समझ सकते हैं कितना यूनिट ब्लड चढ़ा होगा मेरे। और डॉक्टर ने साफ मना कर दिया 6 महीने इसको हिलाना नहीं है,
कहाँ 6 महीने चैन पड़े, बहुत बुरा दर्द, बहुत बड़ी हालत खराब। मैं एक ही चीज कहती, मुझे जहर ला के दे दो, मुझे जहर ला के दे दो, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, यही चीज मैं कहती रहती थी। लेकिन कोई मेरी सुनता नहीं था, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई थी, नहीं पहचान पा रही थी मैं किसी को। उसी बीच में मेरी बहन छोटी पूजा, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे और बहुत थैंक यू कहती हूँ उसको मैं, और धन्यवाद कहती हूँ उसको कि अगर वो, उसको भी मैं अपनी शादी के 10 साल बाद में अपने देवर के लेके आई थी। वो मेरी देवरानी भी है, आज मैं आपको पूरी बात बता दू शॉर्ट में कि मेरी देवरानी भी है और मैं उसको गर्व करती हूँ कि उसको मैं अपने घर में लेके आई, अपने देवर के साथ उसकी शादी करी और आज वो मेरे लिए गर्व की बात है। और मेरे बड़े भैया, ये दोनों बहन भाई मिलकर के सप्लीमेंट्स लेके आए और सप्लीमेंट्स ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरी मोदी केयर की शुरुआत हो गई। मैंने मीटिंग और ट्रेनिंग इवेंट सब देखे और हर मीटिंग को देखा और आज उसी का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने, मेरे को जितनी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। और बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत थैंक यू आपको कि आज आप मेरी बात को सुने। और इसको हकीकत यह है कि जैसे लोगों के सपने पूरे हुए, जैसे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, हमारा भारत देश आर्थिक आजादी की तरफ आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इस कोरोना लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, वो व्यवस्था आज हमारा समीर मोदी जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसा ऐसा रास्ता बनाया हम लोगों के लिए कि हम भारत के अंदर रह के, अपने घर के अंदर रह के अपने घर का पैसा बचा सकते हैं, अपने देश का पैसा बचा सकते हैं और अपने रिश्तेदारों का पैसा बचा सकते हैं और उन सबकी मदद कर सकते हैं। तो वेलकम है आप सबका। अब मैं शुरू करती हूँ कि क्या है ऐसा ग्रंथ जिससे आज हमने इतना सब कुछ पाया और मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको सबका, आप अवसरों की दुनिया में आप सबका स्वागत है, आप सबका मोदी केयर में स्वागत है। और मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक तरफ तो हमारे ड्रीम है और एक तरफ रियल लाइफ है। रियल लाइफ में आप देख ही रहे होंगे, आप सभी जानते भी होंगे कि मोटरसाइकिल पे किस तरीके से जाते थे। इसी तरीके से मैं गांव से जब शहर आती थी और शहर से मैं गांव जाती थी ना, सच में मुझे वो दिन याद आता है कि बीच में मेरे दोनों बच्चे, आगे पीछे मेरी ननद जो मेरे साथ रहती थी, देवर मेरे साथ रहता था किराए के कमरे में, ऐसे ही सेम यही कंडीशन होती थी मेरी। मैं गेहूं का आटे का कट्टा बांध करके लाया करती थी, ले जाया करती थी यहाँ से। हकीकत में भगवान कसम मैं वो दिन भूल नहीं सकती हूँ जो दिन मैंने जिए हैं। ये ऐसे ही मैं एक कमरे में रहती थी किराए के में और इसी प्रकार से पसीने आते रहते थे मेरे और मैं यूं किचन में काम किया करती थी। और जब पिकनिक का नंबर आता था तो मैं पास वाले किसी आसपास के गार्डन में या कहीं चले जाया करते थे और पिकनिक मना के आ जाते थे। क्या जिंदगी यही हमारी, क्या जिंदगी हमारी यही खत्म हो जाती है? नहीं, हम किसी भी औरत की जिंदगी खत्म नहीं होती है, किसी भी परिवार की नहीं होती है। कोई जन्म से करोड़पति बन के नहीं आता है, लेकिन सोच से इंसान को बड़ा रहना चाहिए। जैसे मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यहाँ जिंदगी खत्म नहीं होगी मेरी, बड़ा करूंगी, कुछ बड़ा करूंगी मैं और बड़ा होगी मेरी। मेरी ड्रीम कार जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताई थी, बहुत टॉप, कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी है जो जिसको मैं बोलती हूँ। मेरा सपना रहा कि मैं कैंडल डिनर करूं और सबका ही सपना रहता है, सबका होता भी है नॉर्मली, विदेश यात्रा का सबका रहता है। मुझसे जब कार्ड भरवाया था तो मैंने विदेश यात्रा ही भरी थी और वो पूरी हुई मेरी और आज ये सब चीजें मुझे मिल रही है। यानी ड्रीम ऐसे हैं तो क्या हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है? तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना आगे, ठीक है? चलते हम आगे। जैसे कि बात करें हम कमाने की, तो एक तरफ है एम्प्लॉय, ई से, एक तरफ है एस। मैं शुरू से करती हूँ, एस से सेल्फ एम्प्लॉय, ई से एम्प्लॉय, बी से बिजनेसमैन और इससे इन्वेस्टर। अब इनका अर्थ मैं जितना समझाऊं उसको ध्यान से समझना आप। 95% लोग क्या काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं या एक्टिव इनकम ले रहे हैं, खुद को एक्टिव रहना पड़ता है, या छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, यानी उनकी लिमिट होती है, यानी एक्टिव रहना पड़ता है, खुद का काम खुद करेंगे तो ही पैसा आएगा। 95% लोग तो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं और ये मेहनत कर रहे हैं जिसका, अब आगे देखिए कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। यानी बिजनेसमैन जिसका वर्क कम से कम 1000 लोग होते हैं उसको कहते हैं बड़ा बिजनेस। टीम वर्क जिसका नाम है, अनलिमिटेड पैसा यानी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज हमारे मोदी केयर में कोई लिमिट नहीं है, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, जिसकी जितनी बड़ी टीम, जिसका जितना बड़ा काम, उसके बड़े चेक आ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और पैसा विंग की बात करूं, पैसा इनकम की, तो पैसा इनकम क्या है? यानी आज मैं जो बिजनेस कर रही हूं, अगर मेरे कल को कुछ हो जाता है तो मेरा बिजनेस खत्म नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे मरने के बाद में रिटायर हो गई अब पैसा नहीं आएगा। हमारे समीर मोदी जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो मेरे मरने के बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पैसा आता जाएगा अगर सिस्टम से जुड़े रहते हैं तो।
और जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज मैंने सिखा दिया तो आप सब भी इसको करिए। यानी 5% लोग इसने टीम वर्क, अनलिमिटेड पैसा और पैसिव इनकम, 5% लोग टाटा अंबानी है जैसे हम समीर मोदी जी बात करते हैं, तो ये सब बड़े बिजनेसमैन है और 5% पैसा इनके पास आता है, यानी 95% इनके पास आ रहा है 5% लोगों के पास में, और 95% लोगों के पास में 5% पैसा आ रहा है। क्या ये जिंदगी सही लगेगी इनको? तो आइए आप सब भी मेरे साथ में। अब बात करती हूँ मैं फैमिली, जो हमारे मंथली खर्चा होता है, जो कब से, सन 1940 में 10 रुपए में, सन 1960 में 100 रुपए में, सन 1980 में 1000 रुपए में, एक एक जीरो बढ़ता गया, सन 2000 में 10000 में, सन 2020 की बात करें तो अभी चल रहा है 1,00,000 रुपए महीना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में 1,00,000 रुपया कहाँ से आएगा, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो आएगा? आपको सबको पता है घटनाएं क्या हो रही है, तो ऐसा कोई है प्लेटफॉर्म जिससे है? ये एक तरफ ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस, एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसकी बात करूं तो आज जितने भी लोग इस ट्रेडिशनल मार्केट में है, जैसे कि आज शॉप है, कोई भी प्रोडक्ट हम बाजार से खरीदते हैं, शॉप से खरीदेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर कौन से लाएंगे, होलसेल से लाएंगे, फिर कंपनी से, तो धीरे धीरे करके कंपनी से हमारे तक पहुंचता है, तो 5 रुपए की चीज हम तक 50 रुपए में पहुंच जाती है, और हम उस 50 रुपए को देके लेके आते हैं, लाते हैं, सही बात है, लाना भी पड़ता है क्योंकि यही रास्ता हमारे पास में। इधर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ कंपनी से सीधा हमारे पास प्रोडक्ट आता है, यानी जो ये बीच का 30-35% पैसा है जो जगह जगह बट रहा है, वो पैसा हमारे पास सेफ रहता है। एक चीज और सबसे बड़ी, क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो ऐड करते हैं क्या वो पैसे नहीं लेते? वो सबसे मोटा पैसा लेते हैं, टीवी एड, पेपर एड, जो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का ऐड करते हैं, जो ऐश्वर्या राय लक्स, वो तो हाथ भी नहीं लगाते जिनका ऐड करते हैं। क्या हम जिसका हाथ लगा रहे हैं, जिससे हमको पैसा आ रहा है, क्या हम उसका ऐड नहीं कर सकते? उसका ऐड करते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको पैसा मिलता है, आपके सपने पूरे होते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। तो चलते हैं आगे। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे अब्दुल कलाम जी को आप सभी जानते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं जो कह रहे हैं आने वाली 21वीं सदी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। तो ये कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे, जिन्होंने 400 पेज की किताब लिखी थी नोनी जूस पे। और दूसरे कहते हैं बिल गेट्स, जैसे कि नीचे दिख रहे होंगे सबको, ये कहते हैं कि अगर मैं जीवन में कोई दोबारा कोई काम शुरू करूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, जीरो से करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। जब इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो क्या हम नहीं मान सकते इस चीज को? वेलकम टू मोदी केयर। अब आपको बताती हूँ मैं कि आपका मोदी केयर में स्वागत है। जैसे कि बात करें हमारे मोदी केयर है क्या, कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि मोदी केयर है क्या। हमारे मोदी केयर का आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये ग्रुप कौन सा है, ये आज का ग्रुप नहीं है, बहुत सालों पुराना है, 80 साल पुराना। 400 रुपए से मोदी मिलकर स्टार्ट हुई थी 1933 में, 1933 और 72 के बीच में 27 उद्योगों का स्थापना हुई थी, एक तरह शुरुआत हुई थी, और 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, हमारे राय बहादुर की पदवी दी गई थी, राय बहादुर गुजरमल मोदी जी को। उनके बाद में के मोदी जी हैं, इस बिजनेस को इन्होंने 90 कंट्रियों में फैलाया और इस बिजनेस को और आगे ग्रोथ करी इसकी, जैसे कि आपने सुना होगा मोदी टायर, मोदी ग्लास, मोदी धागा, और इसका सिगरेट, मोदी जीरोक्स मशीन, मोदी सरिया काफी, मोदी कॉलेज, जितना सुनोगे उतना कम है। तो अब आ जाते हैं हमारे समीर मोदी जी, इनको देख करके हमारी तो आत्मा ही तृप्त हो जाती है, क्योंकि इससे बहुत कुछ मिला है हमको। इसमें 25,00,000 नहीं 35,00,000 हो गए अब जो हमारे मोदी केयर से जुड़े हुए हैं और जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं और IDS से जुड़े हुए हैं हमारे समीर मोदी जी। और इन्होंने इतना शानदार प्लान लेके आए हमारे लिए, आर्थिक आजादी प्लान। आर्थिक आजादी से मतलब, यानी हमारा घर का पैसा हमारे घर में रहेगा, घर का पैसा जब घर में रहेगा तो देश का पैसा देश में रहेगा, यानी हमारी स्वदेशी कंपनी है, एक इंडिया की पहली कंपनी है जो आज ही हमें अपना पैसा बचत करवा रही है और प्लस हमारे सपने पूरे कर रही है। किस तरीके से कर रही है वो धीरे धीरे आपको मैं बताती जा रही हूँ। जैसे कि के मोदी जी ग्रुप, ये आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि TCT चाय के बागान, कलर बार, पान मसाला, ये सभी चीजें आपकी सुनी हुई हैं और ये सारी कंपनी हमारे मोदी ग्रुप से ही हैं। और क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहेंगे, चाहते हैं, तो इसके लिए करना क्या है देखते हैं। हम लोगों में से कितने लोग रोज सुबह नहाते हैं, पेस्ट करते हैं, कितने लोग घरों में चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, ये सारे काम हम करते हैं, रोज करते हैं। ये सब सामान हम कहाँ से लाते हैं, किसी मॉल से, किसी दुकान से, बिग बाजार से,
इजी डे से यहीं से हमारा प्रोडक्ट आता है काम लेने का। अगर ये सब सामान हम पहले की तरह खरीदते रहते हैं तो यह केवल हमारा खर्चा ही बना रहेगा। अगर यह सामान अगर खरीदने से पैसा आने लगे तो कैसा लगे, मुझे तो बड़ा आनंद आएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट है जिनको खरीदने से पैसा वापस आता है, जिनको खरीदने से पैसा वापस आता है। हमारे मोदी केयर में 700 प्रोडक्ट है, कैटेगरी हो गई है और अच्छा लग रहा है कि इतने सारे प्रोडक्ट आ गए जिससे आज हमारी इनकम भी बढ़ रही है और बिजनेस भी बढ़ रहा है। प्रोडक्ट कौन कौन से, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रोडक्ट पसंद आएंगे, जैसे कि पर्सनल केयर स्किन केयर है और हमारे खाने पीने के हैं, घर में साफ सफाई करने के सामान है सारे, लॉन्ड्री केयर है, ये पूरे प्रोडक्ट हमारे मोदी केयर में है। और एक प्रोडक्ट मैं आपको छोटा सा डेमो करके बताऊंगी, एक मिनट में आपको बताऊंगी कि हमारे प्रोडक्ट में और मार्केट की अच्छी ब्रांड में क्या फर्क है, क्या अंतर है। से होम केयर में से लिया है मैंने और ये 2 गिलास में मैंने पानी लिया है, दिखा दी इसको, ये 2 गिलास मैंने खाली गिलास में पानी लिया है, सिंपल पानी है। इसमें मैं जैसे कि हम पोछा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि हमारे घर में चींटियां नहीं हो, बैक्टीरिया नहीं हो, कीटाणु नहीं हो, इसी वजह से हम पोछा लगाते हैं। तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, जो डाला वैसे तो इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आता है, तो मैं 2 घर गंदे कर रही हूँ आपके सामने। आप देख सकते हैं 2 घर गंदे हो गए हैं बराबर में। एक बार मैं अब से आपके सामने मिला लेती हूँ उस बच्चे से, ये हो गया। एक तरफ मार्केट की ब्रांड है, एक तरफ हमारा मोदी केयर का स्टडी के लिए आपको दिख भी रहा होगा। इसके लिए कहते हैं कि एक ढक्कन डालिए, आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही साफ सुथरा, जिसको हम चाहते हैं, हर महिला चाहती है कि उसके घर में चींटियां नहीं हो, मक्खी नहीं हो, मच्छर नहीं हो, कोई कीड़े नहीं हो। और अभी जो कोरोना चल रहा है उससे बचने के लिए सभी महिलाएं कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो मैं तो इससे रोज बहुत अच्छे से काम ले रही हूँ। ये मैंने मार्केट का ब्रांड डाला है और ये हमारे मोदी केयर का स्टडी क्लीन इसका नाम है। इसमें मैंने एक ढक्कन डाला, अब आपके हिसाब से इसमें भी एक ढक्कन डालना चाहिए, तो ये मैं कुछ बूंदे डाल रही हूँ, ये देखिए कौन काम करता है वो भी आपको सेकंड में पता लग जाएगा। पहले हम इसको हिला देते हैं, ये अपना काम करे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि किसने काम किया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है इसके अंदर, बहुत शानदार खुशबू आ रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मार्केट से जो प्रोडक्ट सबसे अच्छा ब्रांडेड है उसकी टक्कर में ये इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं इसको। और इससे पोछा लगाने से हमारे घर में पैसा आ रहा है, हमारे घर में इनकम आ रही है, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं अगर हम इसके सिस्टम से जुड़ते हैं, वो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगी आगे। अब आगे चलते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप इस्तेमाल करना चाहेंगे इनको। जैसे ही हम मोदी केयर के प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हैं तो हमें मिलता है लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट, यानी जिंदगी भर एमआरपी से छुटकारा। कितना अच्छा लगता है जब जिंदगी भर हमें एमआरपी से छुटकारा मिल रहा है, जो आज तक कभी नहीं मिला। हम इतने सालों से सामान खरीदते आ रहे हैं, इतने सालों से प्रोडक्ट खरीदते आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई छुटकारा हमें नहीं मिला, हमारे पैसे लगते आए हैं। क्या यही चलता रहेगा? ऐसा नहीं। जब हमारे सामने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतनी हमारी स्वदेशी कंपनी है, फिर क्यों नहीं हम इसको अपनाएं? क्यों हम बाहर के प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं? क्यों हमारा पैसा हम बेकार दे रहे हैं? क्यों? ये सब अपने आप से पूछिए और हकीकत बात यही है कि शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के में बहुत शानदार जिंदगी आप जीने को मिलेगी। 100% गारंटी, साथ ही हर प्रोडक्ट पर गारंटी। आप किसी भी प्रोडक्ट को 30 दिनों के अंदर 25% इस्तेमाल करने के लिए बावजूद भी पसंद नहीं आता तो आप इसको वापस कर सकते हैं, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इतना
ऐसा गारंटीड प्रोडक्ट छोड़ना ही नहीं चाहिए। आज हम कहीं जाते ना तो कोई छोटी मोटी दुकान पे कोई सामान लेने तो हम कहते ना कि अगर 500 की चीज को हम 1000 में ले रहे हैं तो उसको कहेंगे गारंटी है इसकी, जबकि गारंटी नहीं होती, वो वारंटी देता है, लेकिन हम उसको खुश होके लेके आते हैं, बड़े हंसते हंसते लेके आते हैं। गारंटी कोई देता ही नहीं, गारंटी वो कैसे देंगे दुकानदार, कोई नहीं दे सकता, लेकिन हम हमारा दे रहा है हमारे की हमें हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास है। अपनी ही जरूरत का सामान मोदी केयर से खरीदने पर हमें अपने खर्चे को इनकम में बदलने में बड़ा शुरू कर देते हैं और बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 7-22% तक का कमाना शुरू कर देते हैं। यानी कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां आपने खर्चा किया वहीं आपका पैसा आना स्टार्ट हो गया। अब तक जो खर्चा हम कर रहे थे वहां हमारा पैसा जा रहा था, 5 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही थी, यहाँ अगर हम 100 रुपए की भी खरीदते हैं ना तो वो धीरे 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 बिल्कुल 0 पे आ जाती है। ये इसमें पावर है, क्योंकि ये मैंने खुद ने महसूस किया और खुद में ले रही हूँ सारे फायदे, इसलिए मैं आपको इतना विश्वास के साथ कह रही हूँ। जैसे ही अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ से 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, मंथली ऑफर जब भी आप लेते हैं तो यहाँ 100 रुपए का आपको प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 2000 का आप लेते हैं तो आपको 3000 का लेते हैं तो 300, 5000 का लेते हैं तो 500 का मिलता है। क्या आज तक मिला आपको कभी ऐसा? नहीं पॉसिबल। खरीद आ रहे हैं, एक माचिस की डिबिया किसी ने फ्री नहीं दी। मैंने देखा मेरे पिताजी और 10-10, 15-15, 20-20 हजार के महीने के सामान आते थे और मेरा भी आता था, लेकिन कभी किसी ने कोई फ्री सामान देने का नाम ही नहीं लिया, उल्टा डिस्काउंट करने के लिए कहते थे, उल्टा कुछ ऊपर का रह जाता था ट्रॉफी देके भेज देते थे। तो ये कंडीशन होती आई है हमारे साथ में, तो क्या अभी भी हम नहीं अपने रास्ते को नहीं बदलेंगे? बदलना चाहिए हम सबको, हमने बदला, आप भी बदलिए। सबसे शानदार और सबसे प्यारा, इसको हम जितना बताएं उतना कम है। और क्या है, 2500 से 5000 तक का सामान लेना होता है बस हमको महीने की महीने, सिर्फ और सिर्फ 2500 का 5000 तक का, इतना तो हमारे काम आता ही है। आज हर महिला जानती है कि इतना प्रोडक्ट हमारे काम आता ही है। जेंट्स लोग फिर भी कह सकते हैं कि इतना पता नहीं आता नहीं आता, लेकिन हमको तो पता है कितना आता है। जैसे आप यहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं 2500-5000 का, तो ये आपको लॉयल्टी मिलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने अगर आपने लगातार खरीदा 2500 से 5000 के बीच का या 5000 का, तो आपको 7 महीने बिल्कुल 5000 का सामान फ्री मिलेगा। जैसे ही आपने फ्री सामान उठाया, फिर आपने सोचा कि मैं क्यों नहीं आगे करूं, क्योंकि ये 12 महीने का मामला है। जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने आपने प्रोडक्ट खरीदा, तो आपको 12 और 13 यानी 2 महीने का आपको 10000 का फ्री मिल रहा है। आपको 1 साल में 15000 रुपए का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपका मन पसंद का। कितनी खुशी होती है, कितना आनंद। हमको नहीं चाहिए फ्री, और जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट वो भी गारंटेड प्रोडक्ट। मैं तो हर महिला को, हर परिवार को एक ही मैसेज दूंगी कि इसको मत छोड़िए, इसके लिए मत सोचिए कि क्या करें हम। आपकी खुद की बचत बता रही हूं मैं तो सिर्फ। अब बात करते हैं हम अपने घर के खर्चे की और भी। कम से कम 3600 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट है, 50% बेनिफिट यहाँ से। अब डिस्काउंट 20%, यानी आपने यहाँ पे 600 रुपए अपनी पॉकेट में बचा लिए। वो कुछ भी काम लीजिए, आप 3000 का आपने यहाँ से प्रोडक्ट लिया एमआरपी की छूट लेके। फ्री ऑफर आ रहा 340, बोनस आ रहा 105 रुपए, लॉयल्टी आपको 900 रुपए, यानी 1945 रुपए। आपको इतनी बड़ी बचत मिल रही, इतनी महा बचत मिल रही है, क्या ये आपको बुरी लग रही है? नहीं, किसी को बुरी नहीं लगती। हम तो उछलते कूदते रहते हैं जब फ्री प्रोडक्ट आता है, जब इतना मजा आता है कि पहली बार जिंदगी में इतना आनंद हमने लिया है। तो सब लेने के लिए तैयार है क्या? आप ये सभी बेनिफिट अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों, अपने जानकार दिलाना चाहोगे? चाहेंगे। अब मैं बात करूंगी इसकी कि ये सारे बेनिफिट, सारे फायदे कौन नहीं चाहता लेना? यस, सब लेना चाहते हैं। हम अपने रिश्तेदारों को भी बताएंगे, मैंने तो बताया, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, अपने जानकारों को भी बताएंगे, अपने मिलने वालों को भी बताएंगे, क्योंकि इससे बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है हमको, बहुत फायदा मिलता है। चलिए देखेंगे आगे होता क्या है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सी इसी पे बात करूंगी, क्योंकि मैं चीज यही है टॉपिक हमारा समझने का, कितने प्रोडक्ट ब्रांडेड आपने समझ ली, आपने सारी चीज समझ ली। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है,
ये मेरा पर्सनल अनुभव नहीं, पर्सनल सारी चीजें ली हुई है। मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, मैंने अपने जानकारों को बताया, अपने दोस्तों को बताया और अपने अड़ोस पड़ोस में बताया। और आज जो लोग इस पे साथ में जुड़ते हैं, जो लोग लेते हैं, वो मुझे दुआएं देते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताया, हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, हमें बहुत ही शानदार, बहुत ही, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसा होगा। क्या मान सम्मान प्यार हमको नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए। जब मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे उम्मीद है सबको अच्छा लगेगा, और लगना भी चाहिए। तो मैं एक सिंपल सी गांव की लेडीज होके इतने कम समय में यहाँ तक पहुंची हूँ, तो मैंने इस ज्ञान को अपने अंदर उतारा, इस जो हमारे गुरु ने हमें बताया उस चीज को मैंने किया और आप सबके सामने बांटा। यही चीज आप सबको बांटती हूँ। कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई बड़ी दौलत नहीं लगानी है आपको इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ अपना घर का सामान चेंज करके, अपने प्रोडक्ट को चेंज करके लोगों, अपने जानकार लोगों को बताना, बस बता सकते हैं, बताना चाहिए हमको। इसमें हमारे घर के साथ में और घरों का भी फायदा होगा, और का फायदा होगा तो देश का फायदा होगा, देश का फायदा होगा तो आने वाले भविष्य में, आने वाले टाइम में हमारी आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा। जब इतनी बड़ी सोच हम रखते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है हमारे अंदर। मैं तो एक ही चीज सबको बताना चाहूंगी, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको शुरुआत कर दीजिए। आपको जो भी लेके आया है उसके साथ में तुरंत इसकी शुरुआत कीजिए। आज सोचने का कोई टाइम नहीं है, हकीकत बात यह है। जैसे कि बात करी मैंने कि अब आपको यहाँ से 8 प्रकार की इनकम देता है मोदी केयर, अच्छी इनकम, 7-22% कैश कर, 5-20% इधर बढ़िया पैसा, इधर विदेश यात्रा। आपको दिख ही रहा होगा चित्र, क्योंकि मैं तो चित्र देख के बताती हूँ आपको। मैंने शुरू में बता दिया था कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चित्र देख करके और ये रोजाना मीटिंग सुन सुन करके, जूम मीटिंग सुन सुन करके, सीख सीख करके मैं आज आपको इतना बता पा रही हूँ। लग्जरी कार, हाउस, ड्रीम कार, विदेश यात्राएं, कितना अच्छा लगता है जब हम अपनी फैमिली के साथ में विदेश यात्रा करने जाएंगे। जब मैं गई थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा, और आगे भी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरे सपने हैं और अब पूरे हो रहे हैं। और वो मैं थैंक यू करती हूँ मोदी केयर का, हमारे समीर मोदी जी का, मैं फिर से बार बार थैंक यू करूंगी मेरे गुरुजनों का, महागुरु तरुण बजाज सर का, इतना अच्छा, इतना बढ़िया इन्होंने हमें सीखने के लिए ये अवसर दिया और ये सिखाया हमें, और इस लॉकडाउन में भी हमें इतनी प्रेरणा दी कि जिसको मैं शब्द बहुत कम होते हैं, हालांकि हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी बता दी हूँ आप लोगों को, लेकिन समझ में सबके आया है। मैंने पाई यहाँ से, वो चीज आपको भी मिलेगी, वो चीज आपको भी मिलेगी। आप कभी भी हार नहीं सकते, कभी भी आप, ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कुछ भी अनहोनी हो रही है, आपके साथ में सिर्फ वो चीज हो रही है कि आपकी जिंदगी बदल रहे हैं, जो भी आपके अपलाइन है, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपको इस बिजनेस में लेके आए, आप उनके साथ में सिस्टम को समझिए और दोबारा से प्लान को समझिए। जो चीज मैंने यहाँ से पाई है, मैंने ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने पाई है। आज मेरा पूरा बिजनेस, मेरी फैमिली बिजनेस हो गया मोदी के। आज मेरे बच्चे इसमें हैं, मेरे भाई इसमें, मेरी बहनें इसमें, मेरे माता पिता इसमें, मेरे सास ससुर इसमें, यानी इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि अगर महीने की इनकम जोड़ूं तो कोई हिसाब नहीं है, कब कितनी, कब कितनी, कब कितनी। दो दो कारें हमें मिल चुकी है, विदेश यात्राएं हमें मिल चुकी है। तो आप जितने भी नए लोग हैं, आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो आपको लेके आया ना, वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई सा भी नहीं है और ऐसी कंपनी नहीं है, सच बता रही हूँ। जो कंपनी इतनी साल पुरानी है और इसको 24-25 साल हो गए लाइफ सेलिंग में आए और आज हमें इतना कुछ दे रही है, तो मजबूत जड़ों में, मजबूत हाथों में है आप लोग। आप ऐसी इन हाथों में है जैसे हाथ हमको मिलेंगे नहीं कहीं पे भी। तो दोस्तों, आप सबका धन्यवाद, आप सबका वेलकम, और आप शुरुआत कर दीजिए अपनी। और क्या आप अपने सारे सपने सच करना चाहते हैं, तो आप लोग आज ही, जो ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन करें। और जो अभी हमारे धमाकेदार ऑफर आया हुआ है 100 PV का, आप अभी हमारे पास में 3 दिन है, आज का और 12 तारीख तक का हमारे पास टाइम है, 100 PV धमाका, उसको आप लीजिए। 100 PV अगर आप करते हैं तो आपको 100 PV अलग से मिलते हैं गिफ्ट में, यानी इतना बड़ा धमाका, बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। मत चूकिए इसको और अपने अपने अपलाइन के साथ बैठ करके इसको कीजिए, सिस्टम को सीखिए। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको अपने साहब से भी मिलाना चाहूंगी इसी बीच, वो भी दो शब्द बोलेंगे आपको,
और उनका स्कूल है खुद का, तो वो आपको बताएंगे कि इस लॉकडाउन इस कोरोना में क्या बिजनेस उनको अच्छा लगा, खुद का बिजनेस या मेरा बिजनेस, मेरा मोदी केयर, मेरा खुद का, क्या कहूँ, शब्द बहुत कम है इसके लिए। तो मैं सर से मिलाना चाहूंगी आपको। सर आप भी दो शब्द बोलिए, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है सबको समझाते हुए सिखाते हुए, और सबकी लाइफ चेंज होगी इससे। थैंक यू। मिलिए दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम जगदीश मीणा है। अपने यहाँ अपने जयपुर जिले, राजस्थानी जयपुर जिले से एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले हमारे पास मोदी के लिए कॉन्सेप्ट आया था, बहुत जबरदस्त बिजनेस प्लान है दोस्तों, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा आपको, क्योंकि इसकी ज्यादा महत्व कब पता लगा, अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हो, लॉकडाउन के टाइम में बड़े बड़े उद्योग जीरो हो गए। आज मेरे स्कूल की बात करूं, आज 3 महीने से ऊपर हो गए, 13 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, तीन महीने से ऊपर हो गए, मेरे स्कूल में 1 रुपया फीस का नहीं आ रहा। थैंक्स टू समीर मोदी जी, थैंक्स टू मेरे अपलायंस पूजा जगदीश भैया, हमारे गुरु कपिल सर, महागुरु तरुण बजाज सर को बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, क्योंकि आज ये मोदी केयर नहीं होता तो हो सकता हमें भी आज बहुत बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि इसी 3 महीने के पीरियड के अंदर, लॉकडाउन के पीरियड के अंदर भी मोदी केयर ने हमारा साथ दिया जाए, स्कूल में 1 रुपया नहीं आ रहा था। तो आज लागत की बात करूं तो कम से कम 1.5-2 करोड़ की खुद की बिल्डिंग है, आज देखा जाए तो जहां मैंने 2 करोड़ रुपए लागत लगा रखी है वहां 2 रुपए नहीं आए इस मोदी केयर के अंदर या 2 साल के अंदर। दोस्तों हमने खुद ने फॉरेन टूर यहाँ से कर लिया, कार यहाँ से ले ली हमने मोदी केयर से, WR होंडा टॉप मॉडल 13 लाख की पर मंथ, या 80,000 से 1 लाख रुपए का चेक मोदी केयर से आ रहा है। इस लॉकडाउन के अंदर भी बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है दोस्तों, ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए, कोई टीचर है, कोई बिजली विभाग में है, कोई अपने एजुकेशन के अंदर है, कोई भी आदमी पार्ट टाइम फुल टाइम या कर सकता है। अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हो हमारे अच्छे अच्छे लीडर्स जो गवर्नमेंट जॉब करते हुए यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले रहे, कोई 5 लाख रुपए महीने कमा रहे, कोई 6 लाख, कोई 8 लाख रुपए कमाए गए, जो कि कहीं भी सरकारी नौकरियां बड़ी बड़ी IAS RS भी इसके आगे फेल हो रहे हैं, उनकी भी अपन IAS सैलरी मानते तो 1-1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती। यहाँ जो लोग 5-5 साल में मेहनत करके 4-4 साल में 6-6 लाख, 7-7 लाख पर मंथ कमा रहे हैं दोस्तों, हम तो हम ही कह रहे हैं ने, मोदी के अभी आपके सामने बताया मैडम ने 8 एरियाज और ऑफ इनकम, दोस्तों हमने खुद नहीं अब 12 महीने के अंदर 13 महीने के अंदर 8 प्रकार की इनकम यहाँ से लेने लग गए। आज बराबर 8 महीने से 9 महीने से 8 इनकम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा और पक्की गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, जो आप कर रहे हो उसके साथ साथ अगर आपने 1-2 घंटे 4 घंटे अगर पार्ट टाइम निकाल के, अगर पार्ट टाइम में आप अगर बिजनेस को शुरुआत करते हो, मोदी केयर की आप शुरुआत करते हो, आप बहुत अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। शुरू के अंदर आपको 2-4 महीने 6 महीने या साल भर आपको एक बार आपकी टीम को बिल्ड करना है, एक बार आपको अपनी टीम बनानी है, क्योंकि आप देखे हो आज तक बड़े बड़े पैसे वाले वो ही हुए हैं जिनके पास टीम वर्क है। टीम वर्क की बात करें भी आप देख रहे हो आज अपने जैसे आज रिलायंस वाले, जियो वाले की अपन बात करें, अंबानी की, बाटा वाले की बात करें अपन, टाटा बिल्डर अंबानी अपने, मोदी जी, ये सब बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये काम वो ही करते हैं, टीम वर्क करते हैं, टीम वर्क से ही तो इनके पास अनलिमिटेड इनकम आती है, उसी से पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम के अभी लॉकडाउन के अंदर ही पता लग रहा, जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हम लोग, घर के अंदर बैठे हैं, घर के अंदर से जूम से मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को डेमो प्लान दे रहे हैं, लोगों को बिजनेस समझा रहे हैं, फिर देखो आप लाखों रुपए के चेक घर के अंदर आ रहे हैं, जहां अदर हर इंडस्ट्रीज की वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय सबकी इनकम जीरो होगी, गवर्नमेंट वालों को कट के सैलरी मिली है दोस्तों। आप खुद देखो कितना जबरदस्त बिजनेस है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल अपने अपलाइन के साथ बैठे पूरी डीपली इसको समझे, और एक बार कहने से 2-4-6 महीने साल भर इसके अंदर आप ध्यान दे लोगे, अच्छी मेहनत कर लोगे, लाखों रुपए आपके भी आने लग जाएंगे।
मैं यही विश्वास दिलाना चाहूंगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आने वाला 21वीं सदी का व्यवसाय यही होगा, क्योंकि अभी अपने भारत में इसमें शुरुआत हुई है। अभी तो 0.8% लोग इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए, जहां अपने भारत की लगभग 135 करोड़ की आबादी है, या मुश्किल से अभी 35 लाख लोग अपने इस मोदी केयर के अंदर आए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए हैं। दोस्तों मैं यही कह रहा हूं, अभी तो आपकी शुरुआत है, क्यों कई बार आपने सुना लोग कहते हैं पहले जुड़ गया वो ज्यादा पैसे कमाता है। दोस्तों आज आप शुरुआत कर रहे हो, आप पहले ही हो, क्योंकि अभी 1% भी मोदी केयर में लोग नहीं जुड़े, 99% अभी पूरा नेटवर्क बेल्ट खाली पड़ा है। दोस्तों विश्वास दिलाना चाहता हूं सब लोग इसको बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि मैंने देखा 90% लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आते हैं संख्या के आधार पे देखते हैं, 10% लोग एक्सेप्ट करते हैं तो 10% लोग कामयाब हो जाते हैं। मैं आपको सभी को आज जितने भी अपने लोग हैं इस जूम मीटिंग में सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं हर एक पर्सन इसको ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपका लग कुछ भी नहीं रहा दोस्तों। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम निकाल के इसको अगर बिल्ड कर लिया, साल भर इसमें ध्यान दे लिया, 2 साल ध्यान दे लिया, बहुत अच्छा पैसा यहाँ से आने लग जाएगा। डिपेंड आप पे करता आप कितना पैसा लेने चाहते हो, कितनी कैपेसिटी है आपकी, आप एक चम्मच भर के यहाँ से ले सकते हो, एक गिलास भर के ले सकते हो, एक लोटा भर के, एक बाल्टी या बड़ा ड्रम भर सकते हो, आपकी कैपेसिटी आपके सपनों के ऊपर डिपेंड करता है। जितने बड़े आपके सपने होंगे, जितनी मेहनत आप कर पाओगे, उतना ही पैसा यहाँ से ले पाएंगे। दोस्तों बस मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे अप्लायंस को, प्रणाम करना चाहूंगा, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू हमारे कपिल सर, थैंक्स टू हमारे महागुरु तरुण बजाज सर, हमारे लीडर्स आलोक सर, नरेंद्र सर, बाबूलाल जी, काफी लीडर्स है, सबको मेरे तह दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ में मेरी प्यारी सी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अकेले की बस की बात नहीं, टीम वर्क होता है। टीम वर्क को आपको अपने बच्चों की तरह उनको उनसे प्यार करना है, बच्चों की तरह उनको ट्रीट करना है, उनको समझाना है, ये सब एक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने। और कहते ना कि जब मैंने शुरुआत करी थी तभी बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ है। फिर मैंने इनसे एक ही चीज कही थी, मुझे देखो सर, जो सप्लीमेंट्स, जिस सप्लीमेंट्स को खाके, जिस मोदी केयर को मैंने अपने खून में, अपने रगों में उतार लिया और उससे आज मैं खड़ी हो गई, तो ये कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। इसको मैं सीखूंगी और लोगों को सिखाऊंगी, लोगों को बताऊंगी। ये बोले कि आप मैडम, आप एक्सीडेंट के बाद में आपकी याददाश्त बिल्कुल कमजोर हो गई है, आप नहीं कर पाएंगी, आप बैठ नहीं पाएगी, आपका एक्सीडेंट में बिल्कुल बॉडी आपकी पूरी एक तरीके से डैमेज है अंदर से। मैंने कहा नहीं, मुझे करके दिखाना है, मुझे करके दिखाना है, मेरी फैमिली के लिए मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है। मुझे लग रहा है कि यहाँ नौकरी से कुछ नहीं होने वाला, आपके बिजनेस से कुछ नहीं होने वाला। मुझे जब ऐसा रास्ता मिला है, जब मैं इसकी पहली मीटिंग, पहला इवेंट मैंने देखा हमारे एमएससी में, उसके बाद में मैंने बहुत सितारों की रात देखी, वहां करोड़ों रुपए के चेक बट रहे थे आजादी बोनस में, समीर मोदी जी खुद अपने हाथों से दे रहे थे 5 करोड़, 1 करोड़, 26 लाख, कोई 17 लाख। आप बिलीव, आपको यकीन दिलाती हूँ, हकीकत कह रही हूँ ये चीज, की मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या हो रहा है, ऐसा पैसा बढ़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तब भी मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। फिर मेरे एक ही चीज दिमाग में आई कि मैं भी इसी को ही करूंगी, मुझे भी यहाँ से चेक चाहिए, मुझे भी यहाँ से नोटों की गड्डियां चाहिए, मुझे भी मेरे बच्चों के लिए वो सपने पूरे करने हैं जो आज तक किसी ने नहीं करे हो। मैं वहां जो मेरे बड़े सपने थे, वो जो देखे थे, वो सब सपने मुझे यहाँ पूरे होते नजर आ रहे थे और साफ मेरी आंखों से दिख रहा था। मुझे हकीकत कह रही हूँ कि आज नोटों की बारिश होती है ना, जब हर महीने चेक आते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। करना क्या पड़ रहा है, अपना घर का सामान चेंज करना पड़ा है और कुछ भी बड़ी चीज नहीं करनी पड़ी, खाली प्रोडक्ट चेंज करने पड़े हैं, खाली उस उन चीजों से, सिस्टम से प्यार करना पड़ा है। तो क्या हुआ अगर हम, कई लोग कहते हैं कि मैडम इसमें चैन बनानी पड़ती है क्या? मैंने कहा चैन, अरे सुख चैन के लिए अगर आपने 4-5-10 लोगों के साथ में चैन बना ली तो आपका चलेगा जाएगा। आज हम कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी शादी ब्याह करते हैं, कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, यानी छोटा सा बर्थडे भी मनाते हैं, तो 100 लोग तो वहीं आ जाते हैं। क्या हम 100 लोगों से बात नहीं कर सकते? क्या हम उन लोगों से बात नहीं कर सकते जिनको इन्वाइट करते हैं, जिनको हम खाने पे बुलाते हैं, जिनके लिए हम इंतजार करते हैं? क्या आप नहीं चाहते हो इस बिजनेस में, नहीं इस
प्लेटफॉर्म को अपनाने के बाद में एक ही चीज सोचो कि आपके साथ महालक्ष्मी आ गई, माँ सरस्वती को अपनाओ, माँ लक्ष्मी को अपनाओ, माँ शक्ति को अपनाओ। इन तीनों चीजों को जिसने अपना लिया ना, जो अपने इष्ट को, मैं ये नहीं कह रही कि कोई अपने इष्ट को छोड़े, कोई जिसको भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को गुरु नानक को मानते हैं, कोई अपने गुरु को मानते हैं, जिसको भी जो मानता अपना इष्ट है उसको माने। और मैं सच कह रही हूँ कि इसमें जिसने मजाक बनाया ना आपका, तो ये समझ लेना कि आप तरक्की करेंगे। मेरा तो जिसने जितना मजाक बनाया मैंने उनको करके दिखाया, और आज वही लोग मेरे साथ आ रहे हैं। मुझे तो बड़ा, अब इस बात पे बड़ा कहते ना कि प्राउड मानो, कुछ भी मानो आप, लेकिन मुझे बड़ा अपने ऊपर बड़ा अभिमान है कि जो चीज मैंने ठानी वो मैंने करी, और मुझे यहाँ से सब ताकत दी मोदी केयर ने, सब ताकत दी हमारे महागुरु ने, सब ताकत दी हमारे गुरु ने। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और फिर से मैं कहूंगी कि मेरी बहन, छोटी बहन, वो बन के आई थी मेरी देवरानी, और उसने आज उसने इतना बड़ा काम कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगी पूजा आपको बहुत, और जगदीश भी आपको। आज जो परिवार हमारा, चाचा, हमारे पिताजी और चार भाइयों, परिवार बिखरा हुआ था, वो परिवार एक ऐसे बिजनेस में था, बहुत नाम था उस बिजनेस का, बुरे पतासे वाले के नाम से जानते थे उनको, और आज भी जानते हैं लोग तो, लेकिन बिजनेस नहीं रहा क्योंकि समय बदलता गया, समय परिवर्तन हो रहा है। क्या हमेशा एक ही चीज चलती है कि नहीं चलती है? अब जो हम कर रहे हैं वो चीज तो जन्मों जन्म चलेगी, आने वाली 7 पीढ़ी इसको काम में लेगी, और जब लेगी तो हमारा आज पूरे भारत देश में बिजनेस है। हम बहन भाई मिलके, हम पूरा परिवार, मेरे बच्चे सब मिलकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं, और इस बिजनेस से हमको जो मिला वो मैंने आपको बताया। फिर से बताऊंगी, विदेश यात्रा, मन पसंद गाड़ियां, मैंने अपने हस्बैंड को WRV टॉप मॉडल, इन्होंने जो बोला है वो इन्होंने पसंद करी थी गाड़ी, इनकी पसंद की गाड़ी मैंने इनको दिलाई, और अभी 20 जून को इसको 1 साल हो जाएगा इस गाड़ी को। अब इसके लिए बहुत कहते ना ड्रीम बहुत बड़े हैं, मन पसंद हाउस, मन पसंद कार, और भी ड्रीम बहुत बड़ी कार, यानी यहाँ 1 करोड़ रुपए की गाड़ी भी छोटी लग रही है दोस्तों, हकीकत कह रही हूँ। 5 करोड़ का बंगला भी छोटा लग रहा है। हम लोगों को लोग कहते हैं पागल है, लेकिन हम कहते हैं कि हम पागल हैं, पागल ही तो तरक्की करते हैं, पागल ही तो पैसे वाले बनते हैं, कोई अमीर माँ की गोद में से बन के थोड़ी आता है। आज अम्बानी जी की बात करते हैं, आज हम बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं जो नामी है, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, वो कौन से पैसे वाले थे? वो थोड़ी पैसे वाले थे, लेकिन उन्होंने भी तो मेहनत करी, उन्होंने भी तो एक प्लेटफॉर्म अपनाया, और जैसे ही आपके सामने आज ऐसा प्लेटफॉर्म आया है तो आप इस प्लेटफॉर्म को अपनाएंगे और आप इसके सिस्टम से जुड़ेंगे। मैं आपको दिल से कहूंगी कि आपका वेलकम है, और आप जो भी आज जिसने भी आपको इस मीटिंग में बिठाया ना, आप उसकी बात को मानो बस, वो आपका भला सोच सकता है। माता पिता के बाद में सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइन है जो आपका भला सोचेगा, और कोई आपका भला नहीं सोचेगा, ना तो कोई साइड के लोग, ना अगल के, ना बगल के, कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ ऊपर के सोचेंगे। और आपके ऊपर जो अपलाइन है, उस अपलाइन का कहना मानो, उसको भगवान की तरफ दर्जा दो, उसकी पूजा करो मन में, अपनी आत्मा में उसको जगह दो। मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है, आप मेरा विश्वास कीजिए कि हकीकत बात है कि आपके लिए भगवान खुद उतर के आ जाएंगे, अगर आपने अपने मन में ठान ली, अपने अंदर आत्मा में उतार ली ये चीज कि कुछ पाना है, कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा कुछ करना है। जैसे मैंने सोचा 2 साल पहले, 25 महीने पहले, सपने बचपन से थे लेकिन पूरे नहीं हो रहे थे। उस बचपन से लेकर अब तक की मैंने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष तो इंसान करता रहता, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से आने वाले 3 साल बाद में मैं बिल्कुल फ्री माइंड होकर के, अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो भी पैसा आएगा, क्योंकि जब तक मेरे बच्चे, जिनके बच्चे छोटे हैं, ये नहीं समझे कि हम क्या करेंगे, सबके साथ देंगे, सबके लिए आप बहुत अच्छा बिजनेस कर लेंगी। महिलाओं की मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपनी प्रॉब्लम को एक टोकरी में डाल के थोड़े से दिन के लिए ढक्कन लगा दीजिए, और ये सोचिए कि अब मोदी केयर से हमको 2 साल 3 साल इसमें मेहनत करनी है, इसके सिस्टम के साथ जुड़ना है, इसके प्रोडक्ट से प्यार करना है, इसके सिस्टम से प्यार करना है, इस प्लेटफॉर्म से प्यार करना है, अपनी पहचान आप बना सकती हैं। अपनी जो यहाँ से 19 साल की लड़की अक्षी दत्ता, जिसको आप गूगल पे जाके बात करेंगे तो मिल जाएंगे आपको, मैंने उस बच्ची से मुलाकात करी तो मेरे अंदर बहुत ताकत आई। हकीकत बात, जब वो बच्ची यहाँ से हर महीने 9 लाख का चेक ले सकती है, 5 लाख की जगह मेंटेन कर सकती है, तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना, छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो इसी प्रकार से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोग अपने माइंड को स्मार्ट माइंड बना करके, अपने अपलाइन के साथ जुड़ के, अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर करके, इस कोरोना में किसी भी बात को मत सोचिए, एक ही चीज सोचिए कि अगर सपने पूरे करने हैं तो मोदी केयर से करने हैं,
नहीं तो कहीं से नहीं होंगे कि मेरी खुद मैं आपसे कह रही हूँ विश्वास कीजिए इस चीज का। तो हकीकत बात है कि आप जो भी आपको लेके आया उसके साथ जुड़िए, उसके साथ अपने काम को शुरू कीजिए, आपका वेलकम है मोदी केयर में, प्रोडक्ट खरीदना शुरू कीजिए, 100 PV जो धमाकेदार ऑफर आया हो उसमें एंट्री कीजिए, और जो भी आपको परेशानी आए अपने अपलाइन के साथ बैठ के अपने सिस्टम को सीखिए। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुजनों को, सभी मेरे अपलाइन को और सभी दोस्तों को, नमस्कार। थैंक यू सो मच पूला मीणा जी, जगदीश मीणा जी, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बिल्कुल दिल से आपने इस प्रेजेंटेशन को किया और बहुत मजा आया हमको आपके द्वारा ये प्रेजेंटेशन देखकर। और मेरे ख्याल से आज कोई भी व्यक्ति इस मीटिंग में होगा तो वो बिल्कुल इजीली इस बिजनेस प्लान को समझ पाएगा, बिकॉज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल दिल से आपने इस प्रेजेंटेशन को दिखाया और किस तरह आपने सक्सेस पाई वो हमने 2 दिन पहले सुना था। सो बहुत बहुत बधाई आपको, और इसी तरह आप और आगे बढ़ते रहिए और ऊंची सक्सेस पाते रहिए, राइट। और मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटर अनीता मैम और कपिल सर को कि वो आपसे बात करें, आज वो हमारे साथ ही हैं। लीजिए अनीता जी, आपके बारे में बात करना चाहेंगे। गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से फूला जी ने बिजनेस प्लान को दिखाया कि किस तरीके से वो मोदी केयर में आए और कैसे उन्होंने बिजनेस को समझा और आज वो कितने सक्सेसफुल यहाँ से बन चुके हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने प्लान को दिखाया। और अभी हम लोग मोदी केयर के ग्रॉसरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकले हैं मोदी केयर मैनेजमेंट के साथ, और हमने आज गाड़ी में ही फूला जी का पूरे जूम मीटिंग को अटेंड किया है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से फूला जी आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फूला जी हमारी बहुत जबरदस्त लीडर हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में जिन चैलेंजेस के साथ इन्होंने बिजनेस किया है बहुत मुश्किल होता है। मैं देखती हूँ बहुत सारी लेडीज बहुत सारे बहाने बनाती हैं, बच्चों के एग्जाम्स है, अभी खाना बनाने का टाइम है, बहुत सारी चीजें होती है दिन में हमें सोना होता है या हस्बैंड मना कर देंगे। मैं कहती हूँ अपनी लाइफ का डिसीजन अगर हमें लेना है तो ये छोटे छोटे बहानों को छोड़कर सिर्फ एक कारण ढूंढना होगा, और फूला जी के सामने इतने बड़े चैलेंजेस थे कि उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी वो खड़ी हुई फिर से और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं इसके अंदर कुछ करके दिखाऊंगी। अगर गाँव से उठ के एक लेडी ये सोच सकती है तो मैं सभी लेडीज को ये मैसेज देना चाहूंगी तो कि आप लोग क्यों नहीं, अगर हम लोग, मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ थी, अगर मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ फूला जी कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो खुद से सवाल पूछिए और अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ है, हमारी पहचान है, हमें खुद ढूंढनी होगी। थैंक यू फूला जी, और फूला जी 2020 में बहुत जबरदस्त धमाका करने जा रही हैं, सभी लीडर्स को बहुत जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है क्योंकि फूला जी बहुत जिद्दी है, जो वो सोचती है वो करती है, उनको फिर आगे पीछे कुछ नहीं दिखता तो वो पूरे लक्ष्य की तरफ बढ़ती है अपने जुनून के साथ। तो यही मोदी केयर करने के लिए सिर्फ आपको जुनून चाहिए, वो एक कहते ना एक जुनून, एक जिद, एक जज्बा, तो वो फूला जी के अंदर मुझे हमेशा से ही दिखता आया है और आगे भी मुझे पता है फूला जी अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगी। तो सभी लीडर्स को यही शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि फूला जी से आज जो भी आप लोगों ने सीखा वो मोदी केयर में अप्लाई कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू तरुण सर ये अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए, थैंक यू फूला जी और पूरी टीम को थैंक्स करना चाहूंगी, थैंक यू वेरी मच।
फ्रेंड्स हमारे साथ हमारे मेंटर कपिल सर भी हैं। मैं चाहूंगा कपिल सर भी आज बात करें इस शानदार प्रेजेंटेशन के बारे में। सो ओवर टू कपिल सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। और बहुत जबरदस्त फूला जी, आज आपने बहुत शानदार तरीके से वापस आज प्रूव किया कि एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती सफलता के लिए। आपकी जो शिद्दत है, आपने जो जुनून से आज प्रेजेंटेशन दी है और जितनी ईमानदारी से आपने और जितने सिंपल शब्दों में आपने समझाया है, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत जबरदस्त मजा आ गया और हम लोग गाड़ी में ही आपकी प्रेजेंटेशन सुन रहे थे। तो रियली इट्स ग्रेट। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, इसी तरीके से नए मकाम हासिल करते रहिए और इसी तरीके से अपने आप को साबित करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। सो थैंक यू कपिल सर एंड थैंक यू अनीता मैम और फूला जी, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। लीडर्स, आज जैसे अनीता मैम ने बताया, हम सब निकले हुए हैं आज मोदी केयर की तरफ से राशन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जरूरतमंदों को, जिनको जरूरत है, जिनका इनकम सोर्स बिल्कुल बंद हो गया है इस लॉकडाउन पीरियड में। और मोदी केयर ने उन सबके बारे में सोचा। ऑल ओवर इंडिया मोदी केयर ने स्टेप लिया और राजस्थान में हमें आज ये हमें ये मौका मिला कि हम ये कर पाए। अभी हम पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के अंदर थे जयपुर में और उसके बाद अभी हम शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन आए और हमने वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट किए बैग्स। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत टाइम बाद हम लोग मिले और मैं आज कपिल जी की वॉल्वो V90 में बैठा और बहुत इंजॉय कर रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है, ड्रीम और बड़े हो गए हैं। मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा कार का जो कैबिन है, आप देख सकते हैं, दिस इज द वंडरफुल कैबिन ऑफ वॉल्वो V90, फुल लग्जरी, पूरी लग्जरी है। आप पीछे अनीता मैम को देख सकते हैं, क्या शानदार ये कार है। मैं रियली बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मोदी केयर में नहीं होते ना तो ये हम कभी बैठने की भी हिम्मत नहीं कर पाते ऐसी गाड़ी में। और आज हम सबके सपने बड़े हो चुके हैं बिकॉज हमारे मेंटर्स ने गाड़ी लेके प्रूव कर दिया है कि सब कुछ संभव है मोदी केयर में। कपिल सर एक सनरूफ ओपन करेंगे थोड़ी सी, आप मैं दिखा दूं सभी लोगों को हमारे। वाओ, व्हाट अ बिग पैनोरामिक सनरूफ, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इस कार की पैनोरामिक सनरूफ है। अमेजिंग दोस्तों, ये मजा है जिंदगी जीने का मोदी केयर के साथ, है ना। काम करना ही क्या है, प्रोडक्ट यूज किए है, लोगों को बताया है, लोगों को समझाया है, कुछ लोगों की ना सुनी है, लेकिन उसका जो शानदार है और इस रिवार्ड के लिए तो लाखों ना सुनने को तैयार है कि नहीं, बताइए। और कोई जरिया थोड़ी है जिंदगी में ये लाइफ जीने का हमारे पास। और आज मोदी की वजह से, आज हमारे मेंटर्स की वजह से आज ये लाइफ है। सोच के देखिए, जो प्लान आपने आज देखा है ये क्या कर रहा है लोगों की जिंदगी में, क्या क्या लोग अचीवमेंट ले रहे हैं इस प्लान से। फ्रेंड्स, ये वंडरफुल कार और ये वंडरफुल सक्सेस आप सबकी हो सकती है, राइट। दिस इज द वॉल्वो V90 और दिस इज द ड्रीम लाइफ। और ये सब सारी ये जो ड्रीम लाइफ है आप सबकी हो सकती है दोस्तों। इस प्लान को दिल से सही होगा, दिल से होगा, ना सुनने को तैयार रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले साल तक हम ऐसी गाड़ियों की टीम में लाइन लगाने वाले हैं। हमारे सभी टॉप लीडर्स के पास ऐसी लग्जरी कारें, वॉल्वो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वॉल्वो ये होंगी और हम दिखा देंगे हिंदुस्तान को कि मोदी केयर में वो ताकत है, इस टीम में वो ताकत है। तरुण सर की मेंटरशिप, कपिल सर की मेंटरशिप, इस टीम में वो ताकत है कि हम ऐसी गाड़ियों की पहुंच खड़ी कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो कल मिलेंगे आपसे शाम को 5 बजे एक शानदार सक्सेस स्टोरी के साथ। और वो सक्सेस स्टोरी होगी, मैं अभी आपको बता देता हूँ, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर फ्रॉम नोएडा श्री अश्विनी कुमार ओझा जी की, राइट। बहुत जबरदस्त लीडर हमारे हैं, बहुत हमारे दिल के अजीज हैं, कल उनको हम सुनेंगे। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो कल की 5 बजे की मीटिंग को दिल से प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच।